वेलकम टू माय ब्लॉग। सुबह का नाश्ता आज देखिए बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट करने वाले हैं। ये देखिए मैंने क्या क्या रख लिया सामान। ये रखा है मैंने ककड़ी और टमाटर, और ये डालूंगी हरा धनिया, और इसको मैं मिलाऊंगी स्प्राउट्स में। तो अंकुर निकल आए हैं स्प्राउट्स में अच्छे से। तो बहुत ही मतलब ये समझ लीजिए हमारे लिए बहुत ही हेल्दी फूड है ये। सुबह का ब्रेकफास्ट बहुत ही हेल्दी है, तो इसी से आज शुरुआत करेंगे। तो फटाफट बन जाता है ये, और कभी कभी चेंज होना भी चाहिए। हमेशा अपन लोग एक ही चीज खाते रहते हैं, कभी पोहा बन गया, कभी उपमा बन गया, कभी पराठा बन गया, ये सब तो चलता ही रहता है। तो ऐसे कभी कुछ डिफरेंट खाएंगे ना, अच्छा भी लगता है और बहुत हेल्दी भी रहता है। तो ये देखिए फटाफट इसको मैं किस लूंगी और बहुत जल्दी बन भी जाएगा ये। तो ऐसे टमाटर भी काट लेंगे। तो आज तो मैं 3 लोगों का बना रही हूँ, तो ये तो अपने ऊपर है कि अपन को कितना डालना है। ककड़ी तो बहुत ही अच्छी लगती है, और गर्मी का सीजन है तो गर्मी में तो समझ लीजिए बहुत ही फायदा करेगी, ठंडक देती है ना ये। तो बस इसको ऐसे बारीक बारीक, जितना बारीक आप कर सकते हैं कर लीजिए, बहुत ही अच्छा लगता है मतलब खाने में अच्छा लगता है। नहीं तो वैसे तो डेली जो हम लोग का चलता है वो तो चलता ही रहता है। तो आज मैंने कहा कुछ डिफरेंट हो जाए। तो स्प्राउट्स मैंने ऐसे करके रखे थे रात में। कई बार बच्चे लोग बोलते हैं ना कि मम्मी आज कुछ नहीं खाएंगे हम लोग, स्प्राउट्स ही खाएंगे। तो मैंने सोचा चलो उसको और अच्छे से कलरफुल बना के खाएं, तो मजा आ जाएगा फिर। और तो ये क्या है, हमारे स्किन के लिए भी बहुत फायदा करेगा, हेयर के लिए फायदा करेगा, और ऑल ओवर बॉडी के लिए ये समझ लीजिए बहुत अच्छा है। जो बच्चे एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, उनके लिए भी ये बना के दीजिए, बहुत अच्छा रहता है ये। तो ये ककड़ी तो देखिए कट गई है, और टमाटर भी मैंने धो के रखे हैं, इसको भी काट लेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए कितने अच्छे से अंकुर आ गए हैं। इसमें है मूंगफली और काले चने, और जो ग्रीन वाले मूंग होते हैं ना वो वाले हैं, फुल वाले जो होते हैं ना, सहगे मूंग, खड़े मूंग जो बोलते हैं ना वो है। ये देखिए कितने अच्छे से अंकुर आए हैं, आप लोग देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और जितने ज्यादा अंकुर आ जाते हैं ना समझ लीजिए उतना ज्यादा फायदा करेगा। और नहीं तो वैसे भी हम लोग उसको रात में भिगा के सुबह वैसे भी खा सकते हैं, वो भी बहुत फायदा करेगा, क्योंकि एक दिन में कई बार अंकुर नहीं आते हैं, पर यहाँ गर्मी बहुत है तो अंकुर आ गया है। तो आप देखिए इसमें मैं मिक्स करूंगी और इसका टेस्टी बनाऊंगी, बहुत अच्छा लगेगा। इसमें जो मसाले अपन को डालना है, काली मिर्च डालना है, जीरा मन डालना है, सिंपल नमक डालना है, वो अपने ऊपर है। तो ये देखिए ऐसे बनाएंगे इसको, बढ़िया आज मजा आ जाएगा खाने में। और ये आप कितना भी खा सकते हैं, एक अच्छे से बाउल भर के भी आप लोग खाएंगे ना तो ये अच्छा रहेगा, और जल्दी भूख भी नहीं लगती है। फिर 3-4 घंटे 5 घंटे समझ लीजिए आपको भूख नहीं लगेगी। जितना मैंने काटा है बस उसके हिसाब से बना लेंगे। तो इतना सारा मैंने जितना काटा है ना, तो बाकी बस ऐसी मैं कपड़े में लपेट के रख दूंगी, और जैसे कपड़ा सूख जाता है ना मैं थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ, तो और अच्छे से अंकुर आ जाते हैं। ये देखिए अब ये देखिए ककड़ी और टमाटर मिक्स करके रखा है ना, इसको इसमें मिला देंगे जितना हमें मिलाना है। ये मिल गया अच्छे से, और इसमें मैं डाल रही हूँ हरा धनिया, और इनको हम मिक्स कर लेंगे। और एक ही हाथ में दोनों कड़े पहन लिए मैंने जल्दी जल्दी में। अब ये डाल रही हूँ जीरा मन, ये भी बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है, और थोड़ा सा नमक, बस इसको मिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड्स इस टाइप से आप लोग बना के खाइए, बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि ककड़ी तो हम लोग को बहुत ही पसंद है, तो मैंने बहुत सारी ककड़ी डाली है। तो कच्ची केरी भी इसमें मिला सकते हैं, और प्याज अगर आप लोग डालना चाहें तो प्याज भी डाल सकते हैं। मैं भी डाल के खाती हूँ प्याज, आज प्याज नहीं डाला है, सिर्फ टमाटर और खीरा है इसमें। अक्षु ये लो खा के बताओ कैसा लग रहा है। अक्षु बताओ कैसा लग रहा है। अच्छा है। हाँ बढ़िया लग रहा है, चलो मैं भी खा लेती हूँ ना। तो ये देखिए मैं भी खा रही हूं, एक बाउल भर के आप लोग अच्छे से उसको खाइए, बहुत हेल्दी है।
आपके पास कैरी है तो कैरी डालिए, वो भी बहुत टेस्ट आता है उससे भी। प्याज, कैरी, खीरा, टमाटर सब डाल के मजे लीजिए।